पिछले 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना चाहें कि एमएलए ने क्या कुछ काम यहाँ पर 5 साल में करवाया, तो कौन सी लिस्ट बताएंगे? इन चारों में भरपूर मात्रा में काम हुआ है। चिकित्सा को लेकर बात करें तो परबसर में एक सीएससी हुआ करती थी मुख्यालय पर, जिसमें 3 डॉक्टर बैठते थे, 2 अनुपस्थित रहते थे, 1 उपस्थित रहता था। आज 22 डॉक्टर इस उपजिला अस्पताल में यहाँ बैठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम विधानसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा क्षेत्रों में जाने का जो हमारा कारवा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है हमारे दर्शकों को और वहां बैठी सरकारों को, सभी को हम पहुंचा रहे हैं। और आज हम आप पहुंचे हैं परबतसर विधानसभा सीट पर। अगर इस सीट की चुनावी समीकरण की चुनावी इतिहास की बात करें तो 98 और 2018 सिर्फ 2 बार है जब कांग्रेस आई, उसके अलावा 2003, 2008 और 2013 में यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो एमएलए का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड यहां पर है वो भी खंगालेंगे, क्या कुछ विकास कार्य यहां पर हुए, कितनों पर वादे किए गए थे और कितने वादे जो है वो पूरे हुए, कितने रह गए अधूरे, ये सारी बातें हैं जो यहां पर जानेंगे और जानेंगे कि यहां पर जनता जो है वो कितनी आहत है और कितनी त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं हम परबतसर विधानसभा सीट पर। पहले नागौर जिले में ये सीट आती थी, लेकिन अब नवगठित जिला डीडवाना कुचामन में ये सीट आते हैं। पिछले 20 सालों की बात कर ले, 2018 में कांग्रेस आई और उससे पिछले 3 बार यानी कि 15 साल लगातार भाजपा रही, लेकिन उससे पहले 1998 में कांग्रेस भी यहाँ पर थी। तो ये कहा जा सकता है बीच में मौका भाजपा को भी दिया, लेकिन 2018 में कांग्रेस से यहाँ पर रामनिवास गावड़िया विधायक बने। युवा चेहरे को मौका दिया कांग्रेस ने, लेकिन इस बार क्या होगा, चुनावी मैदान में एलपी भी है, बीजेपी कांग्रेस भी है, तीनों पार्टियां मौके की तलाश में है, चुनौती भरपूर एक दूसरे को देने की जुगत में। लेकिन अब चुनाव परिणाम क्या होंगे 2023 में जनता डिसाइड करेगी। भाजपा के पास मौका था पिछले 3 बार का 15 साल का, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने कैसे हथियाली सीट, मौका तो था 15 साल में, काम नहीं हुए थे क्या? यहाँ से पूर्व विधायक राकेश मेघवाल ने निर्दलीय खड़े होकर ये सीट हथियाली थी और उन्होंने 23,000 से ज्यादा वोट बीजेपी से तोड़ के और ये फिर सीट रामनिवास जी गावड़िया के पास चले। चलिए, काम का कोई रोल नहीं था इसमें, जातीय समीकरण था ये माना जाए, तो काम क्या भाजपा ने कितने किए पिछले 15 सालों में, इससे पहले की बात की? जितने भी रोड देख लो आप प्रवेश के अंदर, गौरवपथ जितने भी है, मान सिंह जी के नेतृत्व बीजेपी सरकार के अंदर में हुए थे। आज देख लो आप कांग्रेस की सरकार के राज के अंदर बिजली कटौती हो रही है, कम से कम 6-7 घंटे कटौती हो रही है बिजली की। चलिए बिजली में, और इतनी राहत जो कांग्रेस दे रही है योजनाओं को लेकर, जितनी भी राज्य सरकार की योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना है, बिजली में राहत है, इन सब की योजनाओं का धरातल पर कोई काम है या नहीं है? अभी तो सारे काम बाकी है, जैसे हमारे गांव में भाजपा के पास भी पहले था, भाजपा ने यहाँ पर क्यों नहीं काम किया 2018 में, फिर कांग्रेस ने कैसे, क्या सत्ता विरोधी लहर थी, क्या कारण क्या था कांग्रेस का हथियाने का? युवा चेहरा था। चलिए कह सकते हैं नाम पर चुनाव था और काम पर भी चुनाव, पार्टी पर चुनाव, विकास पर चुनाव है, किस पर है? 2018 तक तो आप काम देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरा मैदान में है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास? जी, पिछले 15 साल के अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे मतलब सीनियर स्कूल है उसके अंदर ये कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है हम लोगों ने विकास करवाया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फेल रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्यालय की जो 12वीं तक का विद्यालय है उसमें आज पिछले 15 सालों में एक भी विधायक कोष से एक भी कमरा का जो निर्माण नहीं किया गया। यहाँ पे जो पिछले बार जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ क्या है कि यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है और तीसरे को मौका देना चाहती है। अगर एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, विधायक ने यहाँ पर काम कितना किया, विधायक कोष से कितना पैसा लगाया और कितना काम हुआ है यहाँ पर विधायक की ओर? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, और विकास की चीजें जितनी है, सड़क को लेकर है, बिजली को लेकर है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, किसी पर काम नहीं हुआ। जो सड़क आज बन रही है उसको कल देख लो, वो सड़क उखड़ जाएगी। चलिए, तो ये कह सकते हैं क्वालिटी ठीक नहीं है उसकी? नहीं। आरएलपी भी चुनावी मैदान में है, सक्रिय बहुत है। क्षेत्र की अगर बात करें तो, चाहे जोधपुर से अलग सीमांत क्षेत्रों की बात करें या फिर इन क्षेत्रों की बात करें नागौर वगैरह की, आरएलपी के पास क्या मुद्दे, आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दे गिना दिए, भाजपा कांग्रेस को यहाँ से सीट से मौका देके देख चुकी है जनता, आरएलपी के पास क्या नया है? पिछले 5 साल के अंदर परबतसर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जो भी कार्य हुए, जो भी गवर्नमेंट के कार्य हुए उनकी गुणवत्ता देखिए, इतना घटिया निर्माण कार्य परबतसर में हुआ जितना शायद ही आपको राजस्थान में कहीं देखने को मिलेगा। माना जाए कि बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर आरएलपी ये चुनौती पार कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी, क्योंकि आरएलपी संघर्ष के साथ में 36 कौम को साथ में लेके चलती है।
देखिए तृप्ति, कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आते हैं और कहा जाता है कि युवा चेहरे और युवा ही देश का भविष्य होते हैं। युवा चेहरे को मौका दिया था 2018 में रामनिवास गावड़िया यहाँ से आए थे। काम नया होना चाहिए था क्योंकि कांग्रेस अब भी ये कह रही है कि आने वाले चुनावों में भी यंग ब्रिगेड अपनी तैयार करेगी, युवा चेहरों को ज्यादा मौका देगी। बिल्कुल, जवाब यहाँ पर दोनों ही बातों पर मांगा जाएगा। एक तो 98 के बाद में कांग्रेस ने इस जगह पर जीत पाई 2018 में, तो 2018 में ऐसे कौन से काम थे कि भाजपा तीन बार कह सकता है लगातार 15 साल में करने में विफल रही कि कांग्रेस को मौका दिया जनता ने? पिछले 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ उपजिला अस्पताल बन गया, कॉलेज बन गई, शिक्षा के क्षेत्र में सारी कम से कम 15-20 से ज्यादा स्कूलों को कर्मोन्नत करवाया गया, विकास के मामले पे एक नंबर पे प्रवेश रहा नागौर जिले। अब इनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि 15 साल में जो बीजेपी काम नहीं कर पाई वो 5 साल में कांग्रेस ने कर दिखाया, क्या कहेंगे? जो चिकित्सा और शिक्षा और सड़कें में सड़कों का काम हुआ, मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, छात्र की आवाज़ को मजबूत बनाया रामनिवास गावड़िया जी ने, जैसे मंगलाना महाविद्यालय पीजी बनवाना हो, वहाँ छात्रों के लिए बस स्टैंड घोषित करवाना हो, पानी की समस्या को दूर करना हो, परबसर महाविद्यालय को पीजी करवाना हो, पर 3 साल से मैं साथ में हूँ और प्रत्येक छात्र यही चाहता है कि रामनिवास गावड़िया फिर से परबसर में। अगर और जानना चाहे, अगर एक लिस्ट जानना चाहे जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से काम करवाए गए, या ये कह सकते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना चाहे कि एमएलए ने क्या कुछ काम यहाँ पर 5 साल में करवाया, तो कौन सी लिस्ट बताएंगे? एमएलए साहब ने बहुत काम कराए हैं परबसर के अंदर। सबसे पहले उन्होंने उप जिला चिकित्सालय सेक्शन कराया यहाँ पर 41 करोड़ का। उसके बाद में वीर तेजा मंदिर है परबसर का, बहुत पुराना मंदिर है, 300 वर्षों से लोगों का सपना था उस मंदिर का पूर्ण निर्माण हो, उसका निर्माण करवाया, SC ST छात्रावास बनवाया, उसके अलावा सड़कें, बिजली, और इन्होंने 36 कौम को साथ लेकर चला है। चलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, 3 बार लगातार यहाँ पर बीजेपी को मौका दिया, तो बीजेपी ऐसा कौन सा काम नहीं करवा पाई कि जिसका फायदा कांग्रेस को मिला? ये क्वेश्चन मेरा ये भी हो सकता है कि 3 बार लगातार भाजपा पर जनता ने भरोसा क्यों जताया, कांग्रेस को मौका क्यों नहीं दिया? गवर्नमेंट कर्मचारी को जितना 10 साल में परेशान होना था उससे ज्यादा शायद भारत आजाद होने के बाद कभी भी गवर्नमेंट कर्मचारी इस विधानसभा में परेशान नहीं हुए। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था एक समाज के अलावा जिसको टारगेट नहीं किया था, और लोग सुबह घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि आसाम को ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा। एक तो वो विकास हुआ इस साल, चाहे राजपूत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी हो, सबको बराबर समझा गया है, और हर कर्मचारी को जो यहाँ रहने लायक था उसको यहीं रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई जाति को विशेष टारगेट किया है। रही बात विकास की, इन 5 सालों में जितना विकास परबसर की तहसील में हुआ है, भारत आजाद होने के बाद परबसर में विकास हुआ नहीं है। आप नाम गिनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन विकास के मायने बदल दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि जितने वादों पर यहाँ पर विधायक आए थे, जितने वादे वोट लेने से पहले लिए गए थे, क्या वो वादे सारे पूरे हुए? देखो, वादों की बात करें तो मुद्दों पर सभी ने चर्चाएं की है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से युवा विधायक है, तो हम यहाँ के लोग सभी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी युवा चेहरे को यहाँ पे उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर युवा चेहरा होगा तो शायद जो इस बार के चुनाव है उसमें भाजपा को फायदा मिले। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पर काम की मैंने बात की, और एक सवाल जो मैंने वहाँ किया था कि जितने वादों पर यहाँ पर बात की गई थी कि वादे इतने थे सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए, उनमें से कुछ अधूरे हैं? देखिए मैडम, जो यहाँ से वादा था एमएलए साहब का, हमने चुनाव लड़ने से पहले गणेश जी के मंदिर में वादा किया था कि उपजिला चिकित्सालय लेके आऊँगा, और सर्व समाज का एक फैसला था कि सोजी बाबा ये अपने वीरताजी मंदिर बनना चाहिए, वो बनवा दिया, सबसे बड़ा मुद्दा था। और यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था हमारे, वो ये हाईवे किशनगढ़ मेगा हाईवे, रोज दिन एक्सीडेंट होते थे, यहाँ से रेफर करना पड़ता था, आज वो समस्या खत्म हो गई। पहले एक डॉक्टर बैठता था पूरे हॉस्पिटल के अंदर, आज 34 डॉक्टर बैठते हैं। और दूसरी बात, आप खुद चल के आए हो, मीडिया के बंधु चल के आए, तो गुणवत्ता कैसी है या कैसा काम हुआ आपने मेरे ख्याल से देखा होगा। चलिए, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, इन चारों ही अगर उस पर देखे तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली, इन चारों में कितना काम हुआ? इन चारों में भरपूर मात्रा में काम हुआ है। चिकित्सा को लेकर बात करें तो परबसर में एक CSC हुआ करती थी मुख्यालय पर, जिसमें 3 डॉक्टर बैठते थे, 2 अनुपस्थित रहते थे, 1 उपस्थित रहता था। आज 22 डॉक्टर इस उपजिला अस्पताल में यहाँ बैठ रहे हैं। बड़ू के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, वहाँ CSC है, अपने बाजवास में CSC है, और अभी इस विगत 4.5 साल में 8 से 9 PSC और नई स्वीकृत माननीय विधायक रामनिवास जी गावड़िया और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाए। बात करते हैं शिक्षा की, एकमात्र कॉलेज था मंगलाना में जो 3 विधानसभाओं को राजी करने के लिए दिया था, मकरणा, परबसर और नवा, उसको कर्मोदित करवाया PG में, साथ ही साथ परबसर में एक राजकीय महाविद्यालय, उसको भी PG में कर्मोदित करवाया, एक ITI महाविद्यालय। पानी और बिजली, क्या हालात है यहाँ पर? देखिए, बिजली का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही मतलब यहाँ व्यवस्थित है, और जिस तरह से राजस्थान में हर जगह
कुछ न कुछ कटौती होती है, उसी हिसाब से यहाँ भी कुछ कटौती हो रही है। लेकिन कोई भी किसान वर्ग त्रस्त नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, आमजन खुश है। अभी यहाँ पर विधायकी को लेकर बात हो रही थी तो कह रहे थे यहाँ पर काम नहीं हुआ, इन चीजों पर नहीं हुआ, विधायकी को लेकर काम हुआ तो इतने गिना दिए गए। अब जरा वो चीजें भी पूछना चाहूंगी, जब इतने काम वो गिनवा रहे हैं तो काम रह कौन सा गया जिसको लेकर काम नहीं? पानी की समस्या तो जो है वो केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हो रहा है, इसका राज्य सरकार में कोई रोल नहीं है। पानी मिल रहा है पर्वत सर को या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जो केंद्र सरकार पानी दे रही है वो पानी भी नहीं आ रहा है। हमारे गांव की सिरिया में 15 दिन से पानी आ रहा है, ठीक है। बिजली की यही कंडीशन है, फ्री बिजली का नाम करके 7-7 घंटे बिजली काट लेते हैं। बिजली को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ से पूछना चाहेंगे, इतनी सारी चीजों पर आपने सुना, उधर से मुद्दे गिनवाए गए, काम इतना हुआ है, काम नहीं हुआ, हुआ कितना है काम, एक्चुअल में कौन से काम है जो नहीं हुए यहाँ पर? बिजली का धरातल पे काम नहीं हुआ, रोज कटौती हो रही है, चाहे कोई भी आंधी तूफान, छोटी मोटी हल्की सी हवा चली, बिजली काट ली, ऐसे इस तरीके से यहाँ बिजली पे काम हो रहा है। और बाकी जो काम गिनवाए उनमें क्या है? उनमें कुछ काम नहीं है, अभी रोड देख लो आप जाके कहीं पर भी गाँव के अंदर। सड़कों का ही मुद्दा क्यों है, बाकी और भी तो सारी चीजें, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर भी इतनी सारी चीजें गिनवा दी उन्होंने। गावड़िया जी एमएलए आया, विकास को मायना गावड़िया जी को मकत करे एमएलए आयो को, अब कभी ने टिकट दियो तो गावड़िया का मुकाबला कोई मक एमएलए को नहीं। अब बीजेपी का है, बीजेपी का बार एमपी एमएलए के ही रहेगा, धर्मायती के मायने जितो दलपत सिंह जी एमएलए जितो काम करा रही हो ना, आज दलपत सिंह जी धर्मदा के मायने कोई अता आदमी उबा पोलियो हर साल हर महीना मायने 1,00,000 रुपया 50 आदमी ने खानो खुआवाट सामना होटल लगा मनी 50 आदमी ने दलपत सिंह जी खानो खुआ रही है आज भी, यार जी जितो खुआई खानो, यार एमएलए जितो काम करा हुआ है ना, कोई गाँव का ना कोई कटे पोलियो कोई गरीब के। मान लिया 2018 में रामनिवास गावड़िया युवा चेहरे थे इसलिए जीत गए, और अगर इस बार भाजपा की तरफ से भी ऐसा ही कोई चेहरा सामने आ गया तो भाजपा जीती, जीती, चलिए इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जीतेंगे। टिकट पर बात है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अभी तक होने थे हुए नहीं, वो मुद्दे गिनवाइए जरा। हमारे इधर 11 पंचायतें पड़ती है, उनमें सड़कों का निर्माण बाकी रह रहा है, वो नहीं करवाया विधायक जी ने, हम खूब बार उनके पास गए भी हैं, लेकिन जो पंचायतें इधर बीजेपी की ज्यादा बाहुल्य की है उनमें थोड़ा विकास कम है। चलिए मात्र सड़कें ही थोड़ी मुद्दा, और कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होना तो हुआ नहीं? लगभग यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पूरा अच्छा काम हुआ है, हॉस्पिटल जिला अस्पताल बन गया, अब बात है तो अगर यहाँ विकास की तो यहाँ जिला बनने की कमी रही है। देखिए ये कह सकते हैं कि अगर ठोस मुद्दे सामने नहीं आए तो क्या ये मान ली जाए एक तरफा बात कि विधायक ने वाकई काम करवाया है? ऐसा कुछ काम नहीं है यहाँ, परवेशन में तीसरा फ्रंट चाहिए बीजेपी और काम गिनवा रहे हैं, इतने काम, शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी सबको लेके काम गिनवा रहे, क्या काम हुए नहीं हुए? अनिवार्य योजना के अलावा इनके पास में कुछ कोई नया इनको कुछ नहीं मिला, जो विपक्ष के एमएलए मकराना विधायक है जो उनको जो मिला इन्हीं को वही चीज इनको मिली है, अनिवार्य योजना के अलावा अपनी कोई उपलब्धि गिनाए नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की पहले जरूरत होती है, मूलभूत सुविधाओं पे काम हो, अगर उन सब पे काम हो गया तो बच कौन सा गया काम मुझे बताएं। मैडम यहाँ पे सारे काम बचे हुए हैं, जो जो काम यहाँ के एमएलए ने करवाया है सिर्फ उस काम में मैडम एक कागजी कार्रवाई में काम हुआ है, तो यहाँ पे सारे काम में घटिया सामग्री की यूज मिली गई है, यहाँ पे मैडम फुल भ्रष्टाचार भरा हुआ है, प्रशासन को यहाँ पे दबाई जा रहा है, यहाँ पे प्रशासन को अपने मन से को काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी मैडम अगर प्रशासन काम परीक्षा से करे उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया मैडम उसको रातों रात ही। चलिए अगर ये कह रहे हैं कि स्थिति